अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। डरिएगा मत मुझे देखकर, ये भूतिया सामने सबसे सामने मौजूद है। मैं इसलिए ज़रा पंखा बंद कर दूँ, आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा जी, ना गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि ये मैं क्या बनी हुई हूँ, है ना। तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ जिसके हाथ में ये जादू है। अभी उतरने के बाद पता चलेगा कि मेरा चेहरा कैसा है, बट आई एम श्योर कि बेहतरीन है। बिकॉज आप लोग कहेंगे कि बहुत सारी जगहों पे तो जाती है ये, बट स्पेशली इनकी तारीफ करिए, बट ट्रस्ट मी शी हैज़ समथिंग मैजिकल इन हर हैंड्स। इतना जेंटल इन्होंने मेरा मसाज किया है, तो इतनी एडिक्टिव मैं इनके लिए यूज़ कर रही हूँ। ज़रा सामने आइए। हे शी इज़, हेलो जवेरिया। हेलो, थैंक यू जवेरिया, आपका आपने इतनी दूर से आप आई मेरे लिए। और कुछ बोलिए, शर्मा रही है? कोई नहीं, अपने अपने लोग हैं, बोलिए आप। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कब से मुझे ये शौक था इनसे मिलने का, आज मैं मिली, मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैं बहुत सी जगहों पे जाकर, मैंने बड़े बड़े सलॉन्स में जाकर अपना फेशियल सब चीज़ें करवाई हुई हैं, बट आई स्वेयर इतना सुकून है इनके हाथ में। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ, जो चीज़ मैंने फील की है, जो मैं भी मैं लेटी हुई थी और ये बोल रही थी, मैं बस ऐसी थी, जस्ट कैरी ऑन। मुझे बेचार तो ये ख़त्म ना हो, इतना जेंटल हाथ, बिल्कुल मुझे फील नहीं हुआ। मुझे मोस्टली क्या होता है कि जब मेरा कोई मसाज कर रहा होता है ना, तो मेरे यहाँ पे और यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। भाई मेरे ड्राई हो रहा है ना। अच्छा, और पॉलिशिंग के बाद क्या होता है, मेरे फेस पे ना ब्लू और रेड कलर के मार्क्स पड़ जाते हैं फॉर आई गेस नेक्स्ट 15 मिनट्स तक के लिए ना। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या जादू, कोई जादू इस्तेमाल करती हैं, क्या करती हैं आप ऐसा? मेरे हाथ का कमाल है ये, इनके वाकई हाथ का कमाल है। बाकी मैं तैयार होके आती हूँ, ये मेरी ये जो मूछें उतर रही हैं, ये मैं तैयार होके आती हूँ। ओह यार, ये जगह कितनी सॉफ्ट लग रही है। मैं आ रही हूँ तैयार होके, रुको जरा। और ये रिजल्ट हैं, क्या कहते हैं उसको, इसके बाद फेशियल के बाद। वैसे फेशियल के रिजल्ट जो है वो मोस्टली 2 दिन के बाद आते हैं, नहीं है ना। लेकिन अभी से मैं इतना फ्रेश और सॉफ्ट सॉफ्ट फील कर रही हूँ ना। आई लव यू जवेरिया। सीरम लगाना है वाला, ये सीरम भी दे रही है मुझे, ये रात को सोने से पहले लगाना है। ये दवाइयाँ, ये डॉक्टर भी हैं, ये दवाइयाँ दे रही हैं मुझे, रात को सोने से पहले लगानी है। बाकी मैं थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ अपने काम पे, तो मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वैसे हालात तो पाकिस्तान के बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सब ठीक ठाक हों, बहुत ही बुरे हालात है ना। मैं फिर भी तैयार हूँ, वेरी बैड, वेरी बैड। मैं ऐसे तैयार हूँ। माँ बताना पसंद करेंगे आप मैं क्यों तैयार हूँ। मैं बताती हूँ ज़रा। सुबह आई थी जी मेरे पास जवेरिया, जिन्होंने मेरा फेशियल किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुँह नहीं धोना, तो मैंने मुँह नहीं धोया। तो पूरा दिन जो मैं व्लॉग बनाने के काबिल नहीं थी, तो मैंने फिर रात को मुंह धोया। तो मैं थोड़ा मेकअप शेकअप करके मैं माहा की तरफ आई हूँ। माहा कौन है? माहा मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी बेचारी, छोटी सी है। हियर शी इज, आप इसको सिर्फ पिक्चर में ही देख सकते हैं, बिकॉज ये बोलती नहीं है बेचारी, गूंगी है। ऐसा नहीं है, अच्छा तो बोलती हो सॉरी। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमारा खाना किया दावा। ओह नाइस, कैमरा के सामने मत लाना। आई हैव अ थिंग। तो सब मुझे बैठ के क्या देख रहे हो? ये सब मुझे बैठ के ऐसे देख रहे नमूनो। मैंने सोचा कि मैं डेली ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बना के ना आप लोगों के सामने पेश कर दिया करूँ, क्योंकि इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं दिन में इतने ज़्यादा काम करती हूँ, वाओ, मैं दिन में इतने ज़्यादा काम करती हूँ। मैं आप लोगों को चीज़ें खाती हूँ, दिखाओ। महा, यू मेड दिस, नजर आ रही है इसमें? वेल डन महा, वेल डन। अच्छा, हमारे एक म्यूचुअल जानने वाले हैं, बिकॉज वो मेरे जानने वाले थे और वो उन्होंने महा को अप्रोच किया। उनको नहीं पता था कि महा मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बस देखा कि महा एक आर्टिस्ट है और महा पोर्ट्रेट बनाती है। तो इन्होंने मुझे कहा कि, मुझे नहीं कहा डायरेक्टली, इसको कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने महा से अपने बेटे का बनवाया पोर्ट्रेट। तो महा, यू डिड अ ग्रेट जॉब। महा ने मेरा भी पोर्ट्रेट बनाया, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हैं। तो और महा ने बनाया मेरे इम्मू की का पोर्ट्रेट, मेरे इम्मू काके का पोर्ट्रेट। इम्मू काका कौन है? हू इज इम्मू काका? इमरान खान, जिंदाबाद। गुंगा मेरा तो। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हो ना। इमरान खान जिंदाबाद। दोबारा से, इमरान खान, ये जूते उतार दो, टेंशन बड़ी, जूते उतार दो। तो इमरान खान का भी पोर्ट्रेट बनाया है। यहाँ पे बातें बहुत हो गई हैं लंबी, क्योंकि हमने सारी बातें करनी है आज ही पर। मैंने ब्लॉग को बनाना तकरीबन 5 मिनट का, तो आए बातें करते हैं। और इमरान खान,
आई लव यू इमरान खान, आई लव यू, आई लव यू, बोलो इमरान खान, आई लव यू, आई लव यू इमरान खान, आई लव यू भाईजान, भाईजान इमरान खान, बोलो इमरान खान, आई लव यू, बोलो तंग कर रहा है ये। अच्छा तोते वाली आवाज है उसकी। ओके फाइन, सो मुल्क के हालात पर कुछ बात करते हैं। महा, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द कंट्रीज करंट सिचुएशन? हंसने वाली बात नहीं है। नो कमेंट, सीरियसली? तो कैमरे के बंद हुए तुम इतना बोल रही थी, बोलो कुछ, से समथिंग। सही बात है, बहुत अजीब हालात चल रहे हैं। अच्छा आज मैं देख रही थी शहबाज, चुप, लेकिन ये जरूर पता है कि इमरान खान, क्या हुआ इमरान खान को? इमरान खान ही वापस आए हैं इंशाल्लाह। वो तो हमारा एक हमारी एक अच्छी सोच है, जो हम तो अच्छा सोच रहे हैं। हुकूमत की बड़ी बुरी हालत है। पता है क्या हुआ वे? जो करंट सिचुएशन है ना, इसमें हम सब भी बहुत बड़े ज्यादा जिम्मेदार हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। कदर को छोड़ो यार, हम इतने पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, वो पढ़ लिखा जाहिल होना, हम वो हैं। अभी भी हमारे सामने सारी सिचुएशन है, सारे हालात हैं। मैं अभी भी लोगों को देखती हूँ, इट्स नॉट अबाउट सपोर्टिंग समवन, हम ब्लाइंडली सपोर्ट करें, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लोगों को लगता है कि जो हम पीटीआई के, जिन्हें हम यूथिया, ये लोग हमें यूथिया बोलते हैं, इनको लगता है कि हम ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं इमरान खान को या उसकी आइडियोलॉजी को। द थिंग इज के नो, द फैक्ट इज के नो, हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। हम देखते हैं भाई, हमने सब देखा है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। यार अगर आप कंपैरिजन में कोई बेहतर बंदा रखो तो भी बात है ना, आप सामने कौन रख रहे हो? वही लोग जिन्होंने इतने सालों तक मुल्क को खाया है, जिन्होंने मुल्क को इस हालात तक पहुंचाया है। अब फाउंडेशन बनाने वाले तो बना के चले गए, उसको खोखला किसने किया जो इतने साल तक हमारे साथ रहे? इमरान खान को आए हुए कुछ टाइम हुआ, उसके बाद कोरोना, अनफॉर्चुनेटली कोरोना स्टार्ट हो गया, और उसके नहीं नहीं फिर भी के एग्जैक्टली नंबर वन पे था, उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि खाता है तो खुद सुपर पावर, इतना लाइक वो इतना खराब हो गया था उसके सब खराब। हाँ कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार वो बाकी खाते हैं तो खिलाते भी तो थे ना, खुद पे लगाते हैं तो बाकी भी तो। एग्जैक्टली, तो मेरे अबू कहते हैं कि चोरों को वही सपोर्ट करता है तो खुद चोर होता है। तो कमेंट्स पे आगे कुछ बोलिएगा मत, जो कहता है वो खुद ही होता है। तो ब्रिज, डू यू वांट टू से समथिंग? हमें पता है कि जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं वो उसको बिरयानी, उसको बिरयानी, अभी वैसे हमने बिरयानी खाई है। महा तुमने क्या बनाया था दावत पे? मैंने आइडिया, नो मुझे गुस्सा, नो मैंने आइडिया दिया था मामा क्या बिरयानी, हाँ बिरयानी बहुत गोश्त की बना, बिरयानी बहुत मजे की थी। अच्छा मुझे वैसे ना चिकन बिरयानी के कंपैरिजन में ना गोश्त की बिरयानी अच्छी लगती है। निकल निकल, टाटा बाय बाय, खत्म। नहीं, आई लव गोश्त की बिरयानी। उसके अलावा महा, हाँ कोई बात नहीं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, खुदा का खौफ करो भाई जी, फैमिली व्लॉग हैं ये, ऐसी बेहुदा बातें ना करो। आप लोगों को कुछ सुनाई तो नहीं दिया, पीछे मत करके बार बार सुनिएगा, गौर से मत सुनिएगा। मैं कितनी पिंको पिंको लग रही हूँ, वाइट सूट भी वैसे में मुझे काला लगना चाहिए यार, मतलब माफ़ करो, रेसिज्म अजीब अजीब बातें। अच्छा बाहर भी जो है वो सियासत पे बातें हो रही हैं और अंदर भी सियासत पे बातें हो रही हैं, तो बच्चे गैर सियासी होते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं। अच्छा डराओ डराओ डराओ, बातें करते हैं मुझे, मिला भी डराओ, आ जाओ सारे आ जाओ। बच्चे होते हैं गैर सियासी, तो कोई बात करना पसंद करो कि आज कोई स्टोरी सुना दो, कोई बात कर दो, एंटरटेन कर दो ज़रा मेरे प्यारे प्यारे लोगों को, जो मेरे प्यारे, फिर लोगों को नहीं, प्यारी प्यारी ऑडियंस को। मेरे चिट्टे कपड़े हाथ पीछे करो, क्या कर रहे हो? माफी क्यों मांग रहे हो? तेरा नहीं मांग रहा। अच्छा बताओ ना क्या हाल है आप सबके? सर कैमरे में देखना नहीं है एक दूसरे को, बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? स्कूल जा रहे हैं। जेम्स बॉन्ड तुम को हुम्मा पुपो बोलो, पुपो आई लव यू। क्या हो गया भाई, वाई सो एक्साइटेड? ओके तो देखो, तुम लोगों ने कुछ बोलना तो है नहीं, तुम लोगों में जैसे जो है ना वो करना शर्मिंदा ही करना। लड़ाइयाँ हो रही हैं क्या हो गया तुम्हें? जंगजू किस्म का पीछे जाओ, आए कपड़े मेरे। अच्छा घुस जाओ भाई। अच्छा तो तुम लोगों ने अब क्या बोलना है? तुम लोगों ने बात तो कोई करना नहीं, हमेशा इधर हमें शर्मिंदा करना है, बैठ जो नीचे नजर आ रहे हो कैमरे में तुम। तो तुम लोगों ने क्या करना है? बोलना है सबको कि मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तुम लोग इसी काम के लिए आया करो बस, लाइक इसमें।
बोलो चलो क्या कह रहे हो। हाँ तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम आप लोगों को अगले ब्लॉग में। निकल यहाँ से पीछो, सफेद कपड़ों पे मेरे हाथ लगा है निशान, पीछो बाय, बाद मिलती हूँ।